की बहुत मेहरबानी कि हमारी आवाज़ बन के आप खड़े हो गए हो। तो उम्मीद ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम इस चक्की में पिस रहे हैं। हमें किसी को 14 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं। बहुत हम लोगों ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारी हमने बहुत सारा एहतजाज किया है, लेकिन हमारी आवाज़ पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के कानों तक अभी तक नहीं पहुँच रही। और आज हमें मतलब ये फाइनल हो गया है कि गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप हमें डिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एम्बेसी आपसे हर महीने हमारी डिमांड करती है। हर महीने वहाँ से एक लेटर निकलता है जो हिंदुस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को जाता है कि भाई हमारी लड़कियों का आप कोई फैसला करें, या उन्हें एक्सेप्ट करें या उन्हें वापस करें। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। अब आप हमें बताएं, हम किस, हमारे बच्चे जो हैं वो किस मतलब गुनाह की सज़ा ले रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सज़ाएं भुगत ली, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो है वो इसी की जो है वो सज़ा वो भुगतें। गलती अगर हमसे हुई है, हमने एक कश्मीरी से शादी की है, शादी तो सोनिया गांधी ने भी की है, वो तो यहाँ जो है वो हुकूमत में है, लेकिन हम लोगों को यहाँ की मतलब नेशनलिटी तक नहीं दी जा रही है। हमारा यही एक इल्तिजा है गवर्नमेंट को कि हम लोगों की जो है ना इतनी जो है वो इज्जत अफजाई ना करें, आप हमें वापस ही भेज दें। हमें तो यही जवाब मिलता है इससे। मुझे बताएं कि पहले आपने उनको इलेक्ट किया, फॉर्म उनके आपने फिलअप किए, वो लिए आपने, उन्होंने जब फॉर्म सबमिट किए, फिर उनको ये बताया जाता है कि फॉर्म 6 पे आपने जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी आँखें उस वक्त बंद थी जब आपने उनसे फॉर्म लिए हैं, तब आपने ये नहीं देखा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। फिर आपने उनको कैसे इलेक्ट किया, उनकी वोटिंग हुई, फिर उसके बाद आपने काउंटिंग रोक दी। ये सब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें आप डिपोर्ट कर दें। वो जवाब हमें मिल चुका है कि हमें सिटीजनशिप यहाँ की नहीं मिलेगी, तो हमें ये बताया जाए कि हमें कब डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम लोग ऐसे सड़कों पर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें डिपोर्ट कर दें, हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमें कोई जवाब नहीं दे रही है कि हम लीगल हैं, हम इलीगल हैं। अगर हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे कोई लॉ है ना, लॉ होगा, लॉ के मुताबिक आप हमें जेल में बंद कर दें। देखिए, सजा तो हमने काट ली है, 10 साल, 12 साल, 15 साल का अरसा। लास्ट ईयर भी नहीं, थोड़ा 2-3 महीने पहले इनके बाबा की डेथ हुई है। आप बताएं, इन्होंने उनका मुँह नहीं देखा, उनका जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी हैं। तो इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ क्या है कि जीते जी हम अपनों से दूर हो गए हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक्या बताती हूँ। 2013 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, तो जॉब के दौरान स्कूल का स्टाफ देखता था कि आप क्यों अपसेट हैं, हर वक्त आप परेशान रहती है। मैंने कहा, जाहिर बात है पेरेंट्स की याद आती है। तो उन्होंने एक स्टाफ एक्सकर्शन रखा टिटवाल साइड पर, जहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो मैंने अपने घर वालों को कॉल की, मैंने कहा आप वहाँ पे आ जाइए दूसरी साइड, तो मैं आपको देखूँगी, क्योंकि पानी का काफ़ी शोर है, काफ़ी बड़ा वहाँ पे दरिया है। तो पेरेंट्स दूसरी साइड खड़े थे, 70 ईयर्स ओल्ड मेरे फादर की एज है, उनके हाथ में स्टिक थी, वो दूसरी साइड थे, मेरी सिस्टर थी साथ में, मेरी मदर थी। तो मैं दूरबीन से उनको देख रही थी, तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं दरिया में छलांग लगाऊं तो मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुँच जाऊँ। मुझे स्टाफ वालों ने पकड़ा हुआ था कि आप ऐसी हरकत मत करना। तो वो लेटर लिख के पत्थर के साथ बांध के इस साइड लगा रहे थे, हम उस साइड लगा रहे थे, तो मैं उनकी हैंड राइटिंग चूम रही थी। मतलब इतनी हमें परेशानी है कि हम जीते जी अपनों से क्यों इतना दूर है। तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने मिनते की कि मुझे एक दफ़ा पुल के पास जाने दें, पुल पे आधे रास्ते तक वो आएंगे, मैं एक दफ़ा अपने माँ बाप को गले लगाना चाहती हूँ। तो आप खुद सोचें कि ना हमारा कोई जुर्म है, ना हमने कुछ किया है, कश्मीरियों से शादियाँ की हैं, हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें क्यों नहीं वापस जाने दिया जा रहा। फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये करते हैं कि आप हमें बता दें कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो यहाँ पे लॉ है, उस लॉ के मुताबिक आप हमें जेलों में भरें, हमें सजा दें, उसके बाद आप हमें अपने वतन डिपोर्ट कर दें। आप दोनों में से एक काम कीजिए, आप बताइए, हम इंडियन नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम नेपाली हैं, हम हैं क्या हैं? आप ये क्यों नहीं आके बताते हैं कि हम क्या हैं? हमें नेशनैलिटी नहीं दे रहे हो तो हमें आप डिपोर्ट कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारी कुछ खवातीन बेवा हो चुकी हैं, कुछ को डिवोर्स हो चुकी है। तो आप बताएं कि वो किसके दरवाजे पे जाके बैठेंगी? मर्द के बगैर यहाँ पे औरत क्या कर सकती है अकेली? मैका हमारे साथ है नहीं है, और काफ़ी औरतें जो हैं हमारी, उन्होंने खुदकुशी कर ली है।